कहाँ जा रही हो सोनू तुम? हाँ कह देना, मैरी मी सोनू। डिजाइन तो मेरा ही पसंद आएगा। खा लीजिए, हार्ट शेप वाली पेस्ट्री खाने से हम कपल नहीं बन जाएंगे। Such a scary thought. यादी भी तुम खाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बाय। आप मैं के दोस्त है ना? हाँ तो? तो कम से कम उनके लिए एक ट्राई तो मारिए। You mean make an effort? Same ही है, ट्राई मारने को हाई फाई इंग्लिश में make an effort कहते हैं। दो मिनट पहले तो तुम यहाँ से जा रही थी, अब क्या हुआ? आधे घंटे से भूखी थी ना, दिमाग नहीं चल रहा था। पर अब हार्ट शेप वाली पेस्ट्री खा के मुझे ये समझ में आया है कि हमें मयंक के लिए एक ट्राई तो मारना चाहिए। Stop saying that. मयंक के लिए ना मैं हजारों बार ट्राई मार सकता हूँ। I mean, efforts डाल सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं रुक सकता मैं यहाँ। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं जा रहा हूँ यहाँ से और तुम कुछ नहीं कर सकते। आप नहीं जा सकते। लगी सौ सौ की? मैं चाहूँ ना तो आपको यही इसी चेयर पर बिठा कर रख सकती हूँ। This इश्की is very risky. This इश्की is very खिसकी. खिसकी? मैं खिसकी? मैं? जिसे 25 तक पहाड़े आते, जिसे विद्या बालन की फिल्म इंटरवल में समझ में आ जाती है, मैं? कौन सी फिल्म? कहानी। तुम ना बस यहाँ बैठ के अपनी तारीफ करो। This is what you're good at. मैं जा रहा हूँ यहाँ से और तुम कुछ नहीं कर सकती। बाय। मुझे छोड़कर मत जाओ बेबी। क्या कर रही हो तुम? नीचे उतरो और ड्रामा बंद करो। Stop it. बेबी, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, मेरा दिल टूट गया, और आप इसे ड्रामा कह रहे हो बेबी? बेबी, क्या बेबी बेबी लगा रखा है तुमने? नीचे उतरो। तो और क्या कहूँ मैं? वादे तो आपने पूरी लाइफ शेयर करने के लिए। पेस्ट्री शेयर नहीं कर पाए, मैंने थोड़ी थोड़ी ज्यादा खा ली तो उस बात पे आपने ब्रेकअप कर लिया बेबी। अब आप ही लोग बताइए, आप सब बताइए, इतनी छोटी सी बात पर, इतनी छोटी सी बात पर कोई ब्रेकअप करता है? हाँ बेबी, बहुत गलत बात है। तुम इतनी छोटी सी बात पे ब्रेकअप कैसे कर सकते हो बेबी? सुना तुमने बेबी? ये बेबी बेबी बंद करो और आप अपना काम कीजिए ना। आप इसे नहीं जानती, झूठ बोल रही है लड़की। झूठ? मैं? ये देखिए, आप खुद ही देखिए, मैं झूठ बोल रही हूँ? इस इंसान को खाना शेयर करना पसंद नहीं है, बस इतनी सी बात पे मुझसे ब्रेकअप कर लिया इस इंसान ने बेबी। मैं इस दर्द के साथ कैसे जीऊंगी आप बताओ मुझे। अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी बेबी? मैं क्या जवाब दूंगी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की ऐसी हालत है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे अब तो वो बेहोश है, अब तो उसका ख्याल रखो। ए, she winked at me. ये लड़की बेहोश नहीं है, ना ही ये बेहोश है, ना ही ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसे इतने रोमांटिक डिनर पे क्यों लेके आए हो? बोलो। Are you okay ना? हाँ, बस ये एक बार मेरे साथ बैठकर डिनर कर लेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। करोगे ना बेबी? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? प्लीज बैठ जाओ। थैंक यू। कहा था ना, दिस इश्की इज वेरी रिस्की। सोनू, क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी है यहाँ? सब ठीक है ना बेटा? सोनू, इनविटेशन कार्ड सेलेक्ट करना है। देख, मैंने तो ये वाला चूज किया है, तू बता दे। देखो,
मुझे तो ये डिजाइन पसंद है। अरे छोड़ो ना पुराना डिजाइन, ये सबसे मेरा वाला कार्ड। सॉरी डिजाइन दिखा रहा था। पकड़ो मैं उठाता हूँ। सुनू, अगर तुझे कोई डिजाइन पसंद है तो बता दे। हाँ, देख के सिलेक्ट कर ले, कोई और पसंद है तो बता दे। ये वाला दे। नहीं, ये वाला फाइनल। हाँ, पक्का? हाय, तेरी मेरी चॉइस कितनी मिलती है ना? देखा जी, मैंने पहले ही कहा था उसे यही कार्ड पसंद आना है। बढ़िया है, पता नहीं कैसा वाला कार्ड निकाला था इन्होंने। अरे मयंक, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और तुमने जो किया है ना उसके बाद मैं तुम पे कभी विश्वास नहीं कर सकती। और ये जो आज तुमने ये स्टंट किया है ना, ये आज के बाद फिर कभी ट्राई तक मत करना, समझे? ट्राई तो मैं करूंगा सुन, तब तक करूंगा जब तक तू मेरी वापस नहीं हो जाती, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। गुस्से वाले महोदय, मेरी शर्ट के 100 रुपए तो देते चाहिए। इतना तमाशा किया, अपने 100 रुपए लिए बिना कैसे जाने देती? एक्चुअली यू आर राइट, तुमने तमाशा किया, लेकिन आई गेस तुम्हें आज तक किसी ने बताया नहीं है कि जब एक लड़की तमाशा करती है तो तमाशा उसी का बनता है। जो ये रेस्टोरेंट में तुमने स्टूल में चढ़ के सबके सामने ड्रामा किया, तुम्हें क्या लगता है किसी लड़की को ये सब सूट करता है? नहीं नहीं, हंसी मजाक तो सिर्फ लड़कों पर सूट करता है, लड़कियां तो इस दुनिया में रोते रोते घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए पैदा हुई है ना। डोंट मिसइंटरप्रेट माय वर्ड्स, ओके? एक तो आप नॉर्मल इंग्लिश बोलनी सीखिए, न जाने कौन सी अंग्रेजी बोलते रहते हैं। ओके, मैं तुम्हें सीधे सीधे हिंदी में समझाता हूँ। लड़का हो या लड़की, जो ये हरकत थी वो बेहुदा थी। लड़का करे तो गलत, लेकिन लड़की करे तो ज्यादा गलत। लड़के तो होते ही राउडी है, लेकिन लड़कियों को तो रूल्स मानने पड़ते हैं। अब कितनी ही हाईफाई इंग्लिश क्यों ना बोल लें, कितने भी अच्छे कपड़े क्यों ना पहन लें, लेकिन आपकी सोच वो अंकलों वाली है। और पता है कौन से अंकल? जो बिल्डिंग में सेक्रेटरी बनते हैं। हाउ डेयर यू। एक मिनट। हेलो। अच्छा लीजिए, बाबा आदम का फोन है, आपसे अपने थॉट्स वापस मांग रहे हैं। मेरे थॉट्स बाबा आदम के जमाने के? उससे भी पुराने हैं। और हाँ, हजारों साल पहले लड़कियों ने मान मर्यादा का टेंडर भर दिया है और वो पूरा हो गया है, इसलिए अब मान मर्यादा का ख्याल लड़कों को रखने दीजिए और लड़कियों को जीने दीजिए। अगर रूल्स बनाने हैं तो लड़का लड़की दोनों के लिए इक्वल बनाइए। खैर, गलती आपकी नहीं है। फिर किसकी है? आपकी माँ की। तेरी माँ घर छोड़ के भाग गई थी ना, जैसे तेरी माँ भागी थी ना वैसे ही तेरी बहन भागेगी। अगर आपके कान खींच खींच के आपको सही समझाया होता ना, तो आज आपकी इतनी छोटी सोच आपके घर के बेसमेंट में नहीं रह रही होती। मेरी गाड़ी, मेरा गुस्सा। एक मिनट। आपकी गाड़ी, मेरा गुस्सा। लड़का लड़की एक समान, गुस्सा भी एक समान। ये कैसा बंदा है?
चाहे कुछ भी हो जाए, पर मेरे पति का ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी लड़की मेरे बेस्ट फ्रेंड की बीवी नहीं होनी चाहिए। आप ना मुझे उनके फैमिली मेंबर्स का नंबर दीजिए, बताती हूँ मैं उनको कि उन्होंने आंटी जी को कैसे थर्ड ग्रेड हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा है। ये लीजिए मम्मी जी, आपकी अदरक और काली मिर्च वाली गर्मा गर्म चाय। क्या हुआ, इतनी गर्मा गर्म चाय क्यों पी ली एकदम से? कहाँ खोई हुई थी, किसके बारे में सोच रही थी? इश्की के बारे में। इश्की के बारे में? वो सरला जी की असिस्टेंट है ना, शादी का सारा काम वही संभाल रही है, तो बस फिक्र हो रही है कि वो सब संभाल लेगी ना। आप भी ना ऐसे ही फिक्र कर रही हैं। बहुत अच्छी लड़की है वो, बहुत सयानी है, सारा काम यूं हंसते हंसते निपटा देती है। आप परेशान मत होइए। इश्की वो लड़की है जिसे सावित्री के बारे में सब पता है। मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा कि इश्की जान ना पाए कि सावित्री का इस घर से क्या रिश्ता है। आहान, ये मल्होत्रा, 3-in-1, तुम्हारी ऐसी कम तैसी, हाँ? खुद को समझते क्या हो तुम, हाँ? इतना तक तो पता नहीं है कि कन्नी उंगली कौन सी होती है। मन तो कर रहा था तुम्हें तुम्हें सरोटे की तरह तुझे इतना गुस्सा नहीं आता ना तो आज मेरी भी फिगर शिल्पा जैसी होती। मासी हंसाओ मत, गुस्सा करने दो। अच्छा ठीक है, ये बता नाराज किस बात से? मयंक के उस 3 नाम वाले दोस्त पर, जिसके लिए सोसाइटी में लड़कियों के लिए अलग रूल्स और लड़कों के लिए अलग रूल्स हैं, पर उसे भी पता नहीं कि इश्की क्या चीज है। दिस इश्की इज वेरी वेरी रिस्की। मैं मयंक से सीधा कह दूंगी कि शादी के बाद ना ये दोस्त दिखाई नहीं देना चाहिए। भाई ऐसा क्या हो गया डिनर पे कि वापस आके आप 4 डिनर और कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ आज ना मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। इतना गुस्सा मुझे लाइफ में नहीं आया जितना आ रहा। वो मयंक की फियांसे, उसके पास ना कोई आइडिया ही नहीं है कि सोशल गैदरिंग क्या होता है, एटिकेट क्या होता है, मैनर्स क्या होता है। ना उसे तहजीब है ना तमीज है, बस पूरा टाइम ड्रामा करना है उसे। बदतमीज लड़की, लड़की है, लड़की होके जैसे बिहेव करना चाहिए ना उसे, हमारी सोनू से सीखना चाहिए उसे। रियली सोनू, यू आर वेरी लकी कि तुझे इतने अच्छे यहाँ पे वैल्यूज मिले, इस घर में इतनी अच्छी परवरिश मिली है तुझे, तू कभी गलती कर ही नहीं सकती। भैया गलती तो किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी। कोई भी कर सकता है, लेकिन तू कभी गलती नहीं कर सकती। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। भैया प्लीज, आप ये सब बोल के मुझे प्रेशर दे रहे हो। खैर एक बार मयंक और उस लड़की की शादी हो जाए ना, तो मैं मयंक से सीधा क्लियर कर दूंगा कि मुझे उसकी वाइफ से कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं रखना। अगर मयंक को मुझसे मिलना है तो अकेले आके मिले, अपनी वाइफ को मत लाए। मैं अपने रास्ते अपनी जगह खुश, वो अपनी जगह। तू किस टाइप का दोस्त है? यहाँ शादी के बाद ये सब नहीं चलता। शादी के बाद जब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कहता है ना कि उसे उसकी बीवी पसंद नहीं है, तो बंदे को वो फ्रेंड ही पसंद नहीं रहता। तू मयंक से ऐसे कहेगा तो उसकी नजर में गिर जाएगा, वो तेरे बारे में क्या सोचेगा? सोचेगा कैसी बीवी है, शादी से पहले उसके दोस्तों से उसे अलग कर रही है, उसकी दोस्ती उसकी बेस्ट फ्रेंड से तोड़वा रही है। जब कोई दोस्त दूसरे से कहता है कि मुझे तेरी बीवी पसंद नहीं है ना, तो उस दोस्त को वो ही दोस्त पसंद नहीं आता। स-
सोचेगा कैसी बीवी है। शादी से पहले उसके दोस्तों से उसे अलग कर रही है, उसकी दोस्ती उसकी बेस्ट फ्रेंड से तोड़वा रही है। Hey, how are you? आन के साथ डिनर कैसा रहा? उन्होंने नहीं बताया? नहीं, उसने तो कुछ नहीं बताया। तुम बताओ। मैं क्यों कुछ बोलकर मयंक के सामने बुरी बनूं? इसका बेस्ट फ्रेंड मिस्टर एरोगेंट वीर मल्होत्रा जब कॉल करेगा तो खुद ही बता देगा। एक सेकंड। आन को कॉल आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। नहीं 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 नहीं, अभी बात कीजिए। आपके दोस्त हैं, हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी हो। नहीं, कीजिए। मेरी बुराई से ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो उसके पास हो ही नहीं सकती। अच्छा है, मेरा काम वही करे। मैं भोली भाली सीधी सादी बनी रहूंगी और मिस्टर ईवीएम मेरी लाइफ से आउट भी हो जाएंगे। चलो, उसके साथ डिनर पे जाना किसी काम तो आया। ओके फाइन, होल्ड करे एक सेकंड। हाँ आहान भाई, किससे बात कर रहा है? ओ, इश्की से, होल्ड पे। जब मैं रिस्की की इसकी कॉल पे तो खुद सब कुछ बता देगी, मैं क्यों बुरा बनूं? ठीक है, तू अपनी फियांसे से बात कर। अरे कोई बात नहीं, बोलना, बाद में बात कर लूंगा। नो वे यार, मैं अपने दोस्त और उसके होने वाली वाइफ के बीच में कैसे आ सकता हूँ? आई कॉल यू लेटर। हेलो, बाय। हेलो आहान, इश्की। अरे अभी तो आपको बहुत लंबी बात करनी होगी, आपके दोस्त को आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताना होगा, तो यू गाइस कैरी ऑन, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय बाय बाय। इस वक्त मयंक से बात करके मिस इश्की खिसकी मेरा काम खुद कर रही होगी। इस वक्त मयंक से बात कर एवीएम खुद मेरा काम कर रहा होगा। भाई जो कहते हैं सिर्फ दिल जलता है, उन्हें कभी धूप में खड़ी बाइक पे बैठ के देखना चाहिए। वो एक्चुअली मेरी नई बाइक आ रही है ना, तो सारे थॉट सिर्फ बाइक से रिलेटेड ही आ रहे हैं। टेस्ट ड्राइव पे चले, चलो। सॉरी कार्तिक, टू मच वर्क मैन। अरे कार्तिक, तू भी ना इस बोरिंग आदमी को काम करने दे, मैं चलूंगा तेरे साथ। ये हुई ना बात। आहान, मुझे तुझसे और इश्की से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैंने उसे भी बुलाया यहाँ, शी इज ऑन हर वे। सो मिस रिस्की किसकी ने इसे सब बता दिया है? नाइस। हाय आहान भैया। राज डूड, आहान भैया नहीं, महान भैया। शट अप कार्तिक। राज, हाउ आर यू मैन? गुड गुड। मयंक, ही इज राज। राज और सोनू की शादी होने वाली है, एंड राज दिस इज। सोनू से इनके बारे में काफी कुछ सुन चुका हूं मैं। आई होप जो भी सुना है अच्छा ही सुना हो। राज, तुम तो शादी से पहले ही लेट करने लग गए यार, इट्स नॉट फेयर। हाँ कह देना, मैरी मी सोनू। भैया हम दोनों ब्रंच पे जाना चाहते हैं, आपकी परमिशन चाहिए। ओए, तू उधार नहीं मांग रही है, परमिशन मांग रही है, थोड़ा पोलाइटली मांग। ए, तू मांग पोलाइटली, मांगता कहीं का। भैया परमिशन दो ना। मुझे परमिशन देने की क्या जरूरत है, अब तुम दोनों का रोका हो चुका है, शादी होने वाली, जा जाने जाओ। तो अपने फियांसे के साथ ब्रंच पे जा रही है, कोई तो स्ट्रेंजर के साथ डिनर डेट पे हो क्या जाता है? मैं तो कह रहा था कि भाई हमारे कितने स्मार्ट हो गए। ओ मिस्टर ओवर स्मार्ट, सोनू को परमिशन की जरूरत नहीं है, अनलाइक यू, क्योंकि उसे घर की वैल्यूज पता है, इसे अच्छी तरह पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शी नोज द लिमिट्स। जाओ आप लोग एंजॉय करो। ओके, सी यू लेटर राज। बाय बाय बड़ी, बाय। तो बताओ सुनो, आज खाने में क्या पसंद करोगी? हाय हाय, ये इश्की और ये उफ,
तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते ही होंगे, ये तुम्हारी मॉम के लिए काम करती है। अब एक्चुअली सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हम पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं घर पर आई ये थे ही नहीं। तुम सारा दिन कहाँ घूमते रहते हो, तुमसे घर पे नहीं रहा जाता? सुनू, तुम दोनों बहुत क्यूट हो। थैंक यू। तुम थैंक्स नहीं बोल सकते, तुम किधर रहते हो पूरा दिन? हाँ ऐसे घूमते फिरते रहते हो हर जगह, पता नहीं कौन सा वर्ल्ड वो लगा रहे हो तो जो घर पे नहीं रुक सकते। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.